नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में आपका स्वागत है। इस संवाद के प्रायोजक है मार्ग गोल्ड लोन। लोन में सबसे सुरक्षित लोन मार्ग गोल्ड लोन। इस संवाद के सह प्रायोजक है तन्वी ब्यूटी पार्लर बिल्ली मोरा। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में आपका स्वागत है। मुंबई के दहीसर में रेड के बाद लाखों का गुटखा किया गया बरामद। सीआईबी की टीम ने पुलिस का किया सहयोग। आइए देखते हैं पूरा रिपोर्ट। उज्जवल भारत न्यूज, देश की प्रखर आवाज। सीमा भट्टाचार्य, धन्यवाद। ये तंबाकू भी है इसके अंदर, सुपारी भी है। और क्या रखा है? रजनीगंधा। नाम जानना चाहेंगे और कल क्या आपके संगठन ने क्या कार्रवाई की, कहाँ पे क्या कार्रवाई की, क्या बोलना चाहेंगे? हाँ, मैं अरुण शेट्टी बोल रहा हूँ। क्राइम इन्वेस्टिगेशन ग्रुप का नेशनल सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी हूँ। एक हफ्ता पहला कैमरा टीम का एक नया पुष्पा मिश्रा करके, उनको कुछ इंटीमेशन मिला था कि ऐसा ऐसा इधर कुछ ड्रग्स का धंधा चालू है, गुटखा और भांग। तो मैंने आके हम लोग ने मीटिंग किया, उसके बाद और दो तीन बार आया था मैं इधर देखने के लिए। सब फाइंड आउट होने के बाद फिर मैंने हमारे नेशनल कोऑर्डिनेटर सैयद नेहल सैयद, उनसे बात किया, उनसे कोऑर्डिनेट किया। बाद में अपना नेशनल सेक्रेटरी सोनल मैडम, ऐसे मुंबई सेक्रेटरी विचारिता मैडम और गुरु माले और शोभना राठौड़ ये सबसे बड़े मीटिंग होके फिर हम लोग ने डिसीजन लिया। एक लोकल पॉलिटिशियन में दहीसर में ही एक NSC NC दिया, तो उन्होंने सीनियर अपना इधर का, तो इमीडिएटली उन्होंने एक्शन लिया। तो हम लोग साथ में जाके जो माल पकड़ा, जो गोडन में गुटखा का जो गोडन है, गोडन में हम लोग ने रेड मारा। तो वो गोडन में रेड नहीं था कि कोई, तो उसको इंटीमेशन दिया था कि ये लोग अभी रेड पड़ने वाला है। तो उन्होंने उससे पहले 15-20 लाख का माल था, तो उसने अपना जगह चेंज करके दूसरे गोडन में डाल दिया। लेकिन हमारा स्टाफ को ऑलरेडी हमने उधर खड़ा किया था, तो उनको पता पड़ा कि और एक जगह पर डाला, तो उधर जाके तोड़ के सब हमने निकाला था। तो कम से कम 20-25 लाख का माल था। तो फिर आरोपी को पकड़े अंदर, सीनियर ऑफिस ने इधर किया, एडमिट किया है पुलिस स्टेशन में। धारा 328, 272, 273, 188 लगा हुआ है। अभी ऑलरेडी रिमांड में लेके गए हैं। इसका आगे का भी कार्रवाई हम लोग चालू है, देखते हैं कैसा क्या होने का आगे। और ऐसे ही आगे और भी हमारा सीआईबी की तरफ से सब जो है, हमारा टीम बहुत मेहनती है, बहुत एकदम उमदा काम करने वाला है। तो आगे जितना भी ऐसा आगे काम रहेगा, हम ऐसे काम करके निकालने वाले दुनिया को। पुलिस का इसमें क्या सहयोग रहा आपके, मतलब पुलिस ने कैसा साथ दिया आपका? ऐसा तो सीनियर साहब ने तो इमीडिएटली एक्शन लिया है, लेकिन लगता तो नहीं है उनका आपस में क्या है। बिल्कुल ठीक है। सबसे पहले मैं अपना नाम बताना चाहूँगा, मेरा नाम नेहल सैयद है और सीआईबी संस्था का मैं राष्ट्रीय सलाहकार हूँ। और दूसरी बात, हमको ये बहुत दिन से ये सूचना मिल रही थी कि यहाँ पे दहीसर ईस्ट में कुछ एरिया पड़ता है, मुझे प्रॉपर एरिया का नाम नहीं मालूम है। तो हमारे जो नेशनल जो सेक्रेटरी हैं जैसा शेट्टी साहब, इनको भी बहुत सी इन्फॉर्मेशन मिली थी, किसी ने दिया था कि यहाँ पे भारी मात्रा में यहाँ पे गुटखा तंबाकू बेचा जा रहा है। और जो अनलीगल है, जो गुजरात से माल आता है, जो महाराष्ट्र में बैंड किया हुआ है, वो चीज़ें यहाँ भारी मात्रा में 2-3 साल से यहाँ पर बिक रही है।
और फिर हमको यहाँ रिपोर्ट मिली तो सर ने हमसे बातचीत की और हम लोग ने सबने एक साथ में टीम बैठ के हमने बातचीत किया कि इस पर क्या करना चाहिए। फिर हमने ये चीज़ आके यहाँ पे विजिट की कि भाई ये चीज़ सही है कि रॉन्ग है, तो हमने आके देखा तो चीज़ सही थी। फिर हमने दहीसर यहाँ के जो लोकल पुलिस स्टेशन है दहीसर में हम आए, सीनियर ऑफिसर से हमने मिला, मुलाकात की और उनको एक बाकायदा लिखित में लेटर दिया कि सर आपके ही एरिए में आपके ही क्षेत्र में इतना बड़ा एक अनलीगल काम हो रहा है और इतने अनलीगल व्यापार इतने हो रहे हैं मतलब, और इतने सारे तंबाकू और गुटखे जो अनलीगल बेचे जा रहे हैं भारी मात्रा में। तो सर ने इमीडिएटली हमसे कॉपी ली और तुरंत तत्काल उन्होंने अपने ऑफिसर को बुलाया और इमीडिएटली उन्होंने एक्शन लिया। हमारे साथ में उन्होंने टीम भेजी और हमारी सारी टीम और पुलिस साथ में हम वहाँ पे विजिट करने गए। हमारे पहले से वहाँ बंदे मौजूद थे, उस बंदे ने माल वहाँ से लेके भागने की कोशिश भी की लेकिन हमारी टीम ने उसको पकड़ा वहाँ पे और पुलिस ने हमें बहुत सहयोग किया पकड़ने में उनको। और कम से कम हमने जो जो चीज़ देखा है कि कम से कम 25 से 30 लाख का माल वहाँ से बरामद हुआ है, पूरा एक टेम्पो भर के माल बरामद हुआ है। उस लड़के ने मुझे ऑफर भी किया था पैसे का कि सर मुझे पैसा ले लीजिए, मैं और भी 25 तीस धंधे बताता हूँ आपको। तो हमें एक तो सर उसने लालच दिया लेकिन हम उस लालच पर हमने कुछ चीज़ हमने उससे बात नहीं की। और दूसरी बात, 25 से 30 धंधे यहाँ पे चल रहे हैं तो हमारी मुहिम यही रहेगी हमारी सीआईबी परिवार की और सबकी संस्था की कि जिसने जल्दी से जल्दी से सारे धंधे हमको बंद करना है। तो अभी एक से शुरुआत हुई है, ये मुहिम जो है पूरे बम्बई शहर में चलेगी और खास करके ये दहीसर में, और ये मुहिम को ज़्यादातर चलाना है हमको। और इसके लिए हमको जो भी बैकअप पुलिस हमको देगी उसके लिए बहुत धन्यवाद है और हमको बैकअप उन्होंने किया और आगे भी उन्होंने वादा किया इस चीज़ का जो भी काम रहेगा इस तरह का तो हमें फुल बैकअप करेंगे और हमारे साथ में कंधे से कंधा मिलाए खड़ा रहेंगे। और हम दहीसर पुलिस स्टेशन के सीनियर ऑफिसर का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, खूब खूब सुविचार उनको देते हैं कि हमें उन्होंने इतना सपोर्ट किया, इमीडिएटली उन्होंने एक्शन लिया, नहीं तो ये चीज़ का कल नहीं हो पाती थी अगर इमीडिएटली एक्शन नहीं लेते हो, क्योंकि ये चीज़ अगर लेट करते तो बंदा वहाँ से सारी चीज़ें लेके भाग जाता, हमें पकड़ में नहीं आती। लेकिन इनका धाराएं लगी उससे आप संतुष्ट हैं? कितनी धाराएं लगी हैं? हाँ, धाराएं कुछ लगी हैं, 328 ऐसी बहुत सी धाराएं लगी हैं। उसके अंदर हमने देखा अभी एफआईआर कभी हमें मिली नहीं, प्रोवाइड नहीं हुई है, आज शाम में या कल मॉर्निंग में प्रोवाइड होगी। अगर हमें ऐसा कुछ लग गया कि धाराएं कुछ कम है तो हमारे संस्था के अंदर एडवोकेट भी हैं, सब कुछ है, तो हम उन्हें दिखाएंगे, उससे वेरीफाई कराएंगे। ऐसा लगेगा तो हम धाराएं के ऊपर वापस से सर से आगे बात करेंगे, भाई कुछ धाराएं इसमें कम लगी है, कि हमारे हिसाब से ये होना चाहिए कमर्शियल, ये जो केस जो बनना चाहिए कम से कम टेम्पो भर के माल मिला कमर्शियल इसके ऊपर केस बनना चाहिए। और लड़का जो भी बंद हुआ है, क्या नाम है उसका, चौधरी विकास चौधरी नाम का कोई आरोपी है, उसको जल्दी जल्द बेल नहीं मिलना चाहिए, हमारी यही सोच रहेगी और यही थिंकिंग रहेगी। आगे हमें यही करना है कि बेल नहीं मिल पाए, कि बेल मिल के आएगी वापस वो दो दिन में वापस धंधा चालू करेगा, तो ये चीज़ होने नहीं देना हमको, जड़ से इस चीज़ को ख़त्म करना है। इस संवाद के प्रायोजक है मार्ग गोल्ड लोन, लोन में सबसे सुरक्षित लोन मार्ग गोल्ड लोन। इस संवाद के सह प्रायोजक है तन्वी ब्यूटी पार्लर बिल्ली मोरा।